नवाज शरीफ को सरेआम जुतियां मरवाने में सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, मरियम नानी का है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो ना। नहीं सिमरन, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, अपना मारेगा तो छावे ही सुटेगा, लेकिन मरियम नानी अपने अब्बा को सरेआम जुतियां पढ़वाएगी ये सोचा ना था। अरे बस कर, रुलाएगा। वो भी वक्त था जब रोटी 2 रुपए और फिर 5 रुपए की मिलती थी, आज रोटी कितने की मिलती है। नवाज शरीफ ने भी IMF का प्रोग्राम भुगताया, IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती अगर आवाम का दर्द हो ना सीने के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मरियम नानी नशे में टुन लग रही है, जो अपने ही चाचा को कह रही है कि अगर अवाम का दर्द दिल में होता तो आज रोटी इतनी महंगी ना होती। इसलिए तो कहते हैं कि खानदानी बेगैरत है, इसका बाप बेगैरत, इसका दादा बेगैरत, इसका अब्बू बेगैरत, इसके सब बेगैरत, इसके सातों नस्लें बेगैरत, जिन्होंने तोशा खाना को खाली कर दिया और इतने महंगे महंगे तोहफे चंद रुपए को इवज ले उड़े और इल्जाम लगाया खान पर। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि झूठ का फन देखना है तो मरियम नानी का देखो, तो चलिए आज हम आप लोगों को मरियम नानी के झूठे लम्हात दिखाते हैं। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। दोस्तों सबसे पहले मरियम नानी की इस वीडियो को देखो जिसमें से मरियम नानी का क्या कहना है। इसने कहा तोशा खाना में से क्या चीज ली इसने, झूठा मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने कोई घड़ी ली, इन साथ 92 के उन्होंने उस झूठी झूठ के ऊपर प्रोग्राम किया, उस झूठ पे प्रोग्राम किया, मेरे नाम पे वो घड़ी लगा दी जो कभी थी नहीं, मेरे नाम पे एक पाइन एप्पल है, मेरे नाम पे एक पाइन एप्पल है। मरियम नानी को दुनिया की सबसे बड़ी झूठी कहा जाए तो गलत ना होगा, नहीं यकीन आता तो इस वीडियो को देखो जरा। सदफ जो एंकर थी वो इसके कंटेनर से गिर के मरी, उसके खावन को अफसोस करने के लिए घर बुलाए। झूठी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लाहौर के इलाके इचरा में शहीद सहाफी सदफ नईम के घर आमद, सदफ नईम के अहले खाना से मुलाकात की और ताजियत की। जब इतनी बड़ी झूठी पर केस हुआ तो नायब को समझ नहीं आ रही थी कि इस झूठी को कहाँ रखा जाए। नैब में मुझे 57 डेज रखा गया, तो ये मैं आपके साथ वाकया शेयर करती हूँ। तो मैं शायद नैब की पहली खातून मेहमान थी। अच्छा, तो उनको अब समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको कहाँ रखें। और एक खातून को वो उठा लाए थे, तो उन्होंने फिर मुझे उस नैब के कमरे में रखा जो कमरा शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था। दूसरों की वीडियो लीक करने वाली खुद ही बता रही है कि इसकी वीडियो लीक होने वाली है, हकीकत में इसकी कोई वीडियो लीक नहीं हुई। मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी। अच्छा, मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज करते हैं तो इससे ज्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इसकी वीडियो लीक हो जाती तो तमाम पटवारियों ने गौर गौर से जूम जूम करके देखना था और कहना था वावा। जी तो दोस्तों ये थे मरियम नानी के कुछ झूठ जो के कैमरा में रिकॉर्ड हो गए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।